सो स्टूडेंट नाउ सी एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई डेट ए डिवाइड बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी फॉर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अब देखो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखा हुआ है, ए डिवाइड बी प्लस सी नॉट इक्वल्स टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। ये देख के आपको कुछ याद आया, दिस इज नन अदर देन बट अवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो ए इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड विद बी, ए इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड विद सी और प्लस एडिशन ओवर एडिशन। पर यहाँ पे साइन क्या है, नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो डिविजन पे अप्लाई नहीं होगी, मतलब इसमें हमारा जो एल एच एस पार्ट है वो आर एच एस नहीं आ सकता। तो वही हमको वेरीफाई करना है कि देखते हैं वो ऐसा होता है या नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन में तो हमारा एल एच एस पार्ट इज इक्वल टू द आर एच एस पार्ट आ रहा था और इसके रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए थे, पर इसमें ये बोल रहा है कि डिविजिबिलिटी में ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होती और हमको वैल्यूज दी गई है ए 12 बी माइनस 4 सी माइनस 2। तो चलिए देखते हैं अब इसका आंसर क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल एच एस पार्ट प्रूफ करते हैं, ए डिवाइड बी प्लस सी। तो देखो ए क्या दिया हुआ है 12, तो 12 डिवाइड बी प्लस सी, तो बी की वैल्यू क्या दी है माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 2। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सो 12 डिवाइड माइनस 2, ठीक है, बड़ा वाला साइन कौन सा है 4 का, इसलिए माइनस 2 डाला। अब देखो डिविजिबिलिटी 2 वन जा 2 सिक्स जा 12 पर साइन किसकी, बड़े नंबर सॉरी माइनस की, ठीक है, तो 12 डिवाइड माइनस 2 तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर माइनस 6, ठीक है, डिविजिबिलिटी का रूल है जो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में पहले ही आपको समझा दिया था। अब देखते हैं अब इसका ये पार्ट सॉल्व करते हैं, ये माइनस 6 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ए डिवाइड बी मतलब 12 डिवाइड माइनस 4, मैं यहाँ पे करता हूँ 12 डिवाइड माइनस 4 प्लस ए डिवाइड सी मतलब 12 डिवाइड 2, सो 12 डिवाइड 2, ठीक है, बहुत ईजी है। देखो 4 वन जा 4 थ्री जा 12 तब क्या आ जाएगा माइनस 3 प्लस 2 वन जा 2 सिक्स जा 12 तो ये क्या हो जाएगा 6। अब 6 माइनस 3 क्या आया 3। अब ये देखो ये माइनस 6 आया ये माइनस 3 आया, सो एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस और यही हमको वेरीफाई करना था, ठीक है। सो दिस वॉज द पार्ट ए, अब देखते हैं इसका पार्ट बी। सो स्टूडेंट देखते हैं अब इसका बी पार्ट, बी पार्ट सेम है बस वैल्यू चेंज कर दिए, बाकी तो वही है सब। देखो ए डिवाइड बी प्लस सी, पहले हम एल एच एस पार्ट देखते हैं, तो माइनस 10 डिवाइड बी प्लस सी दैट इज 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा मेरा 2, ठीक है, डायरेक्टली कर दिया मैंने 1 प्लस 1 तो आ गया 2, 2 वन जा 2 फाइव जा 10 तो आंसर क्या आएगा माइनस 5 क्योंकि ये किसमें माइनस में, ठीक है, तो एल एच एस पार्ट मेरा क्या आ गया माइनस 5। अब देखते हैं इसका आर एच एस पार्ट क्या आता है, ए डिवाइड बी दैट इज 10, देखो यहाँ पे करता हूँ आप लोगों के लिए, माइनस 10 डिवाइड 1 प्लस माइनस 10 डिवाइड 1, ठीक है, ए क्या है माइनस 10, बी क्या है 1 प्लस ए क्या है माइनस 10 और सी क्या है वो भी 1 ही है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस 10 डिवाइड 1 भी क्या हो जाएगा माइनस 10, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 10 माइनस 10 दैट इज माइनस 20, ठीक है, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है माइनस 5 और यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है माइनस 20, मतलब एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, तो वही हमको वेरीफाई करना था, वो हमने वेरीफाई कर लिया कि एल एच एस इज नॉट इक्वल्स टू द आर एच एस। सो दिस वॉज एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन।